जिला किसान कांग्रेस के अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा कि भारत सरकार ने देश में एक काला कानून पास करके किसानों के अधिकारों पर कुठाराघात किया है। इस बिल के पास हो जाने के उपरांत भारतवर्ष का किसान अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। ऐसे में वे मजबूरन आंदोलन करने पर बाध्य हुआ है, लेकिन देश की निरंकुश सरकार ने इस काले कानून को बदलने के बजाय किसानों के आंदोलन को कुचलते हुए निहत्थे किसानों पर लाठी चार्ज, अश्रु गैस व वाटर कैनन का प्रयोग किया है, जिससे सैकड़ों किसान घायल हुए हैं। जिला हमीरपुर के किसान जिला किसान कांग्रेस के माध्यम से उन्होंने मांग करते हुए कहा कि इस सारे वाक्य की न्यायिक जांच करवाई जाए तथा दोषियों को सजा दी जाए और इस किसान विरोधी बिल को तुरंत वापस लिया जाए, अन्यथा हिमाचल प्रदेश में भी किसान मजबूरन आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। आज भारतवर्ष के किसान सड़कों पर उतरे हैं, इसके पीछे एक कारण है कि भारत सरकार द्वारा पिछले कुछ दिनों पहले जो एक काला कानून उनके ऊपर थोपा गया, जिसकी वजह से आज हमारे भारतवर्ष के किसानों को सड़कों पर उतरना पड़ा, आंदोलन करने के लिए उतरना पड़ा। और आज भारत की सरकार जो है इतनी निरंकुश हो गई है कि वो उनके ऊपर पानी की इतनी ठंड के होने के बावजूद पानी की बुछारें फेंक रही है, उनके ऊपर लाठी चार्ज की जा रही है। इसकी अब हिमाचल प्रदेश के किसान जो भी है वो निंदा करते हैं, और मैं अपने तौर पर कहता हूँ कि ये केंद्र सरकार की अति घिनौनी हरकत है कि वो कानून वापस ना लेकर इसके बावजूद जो हमारे किसान हैं उनके ऊपर पानी की बिछार कर रहे हैं, उनको लाठियों से मारा जा रहा है। ये वही किसान है जिसकी वजह से आज भारतवर्ष के लोग जो है खाना खा रहे हैं, और उन्हीं के जो हमारे अन्नदाता है उन्हीं अन्नदाता के ऊपर लाठियां चलाना ये केंद्र सरकार की घिनौनी हरकत है। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि आप तुरंत इस काले कानून को वापिस लें और भारतवर्ष के किसानों को राहत दिलाएं। धन्यवाद।